यहाँ पे एक यूनिट स्टैंड किया है, बेकरी का यूनिट हमने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे पिछले साल मई में. तो इस यूनिट में हम एक कुकीज़ बना रहे हैं जिसका एप्पल एंड वॉलट कुकीज़, जिसका हमने ब्रांड नेम दिया है कोशर क्रंच. सो इस कुकीज़ में हम लोकल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, एक तो एप्पल और दूसरा वॉलट प्लस फ्लावर शुगर एंड फ्लेवर इन्हेंसर. सो इसमें जो खास दो चीज़ें यूज़ हो रही है एप्पल और वॉलनट, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है एप्पल भी और वॉलनट भी, ड्राई फ्रूट्स भी या कोई और भी चीज़ हो तो कश्मीर का ओबियसली आउटसाइड स्टेट फेमस ही रहता है. सो हमने सोचा हम ये दो जो रिसोर्स है इनको मिलाकर एक कुकीज़ तैयार करेंगे, और हमने किया भी तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आउटसाइड स्टेट से इस कुकीज़ को. वो जब टेस्ट करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, तो इस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और एक चीज़ और कि हम इस कुकीज़ के साथ साथ हम अपने कश्मीर को भी बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटसाइड स्टेट जितने भी हैं उनको. जी मैं बिलोंग करती थी आईटी सेक्टर से. सो मैंने टोटल अपना फील्ड चेंज किया आईटी से लेकर बेकरी तक. वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी, मेरा बचपन से ही ख्वाब था कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ यूनिक करूं, जिससे मैं अपने आप को भी फ़ायदा दे सकूं और मेरे साथ साथ मैं औरों को भी फ़ायदा दे सकूं. सो इसलिए मैंने यही चुना, मुझे बेकरी का ये जो इस्टेब्लिशमेंट है मुझे ये यूनिक लगा, तो इसलिए मैंने यही इस्टेब्लिश किया क्योंकि मैं चाहती थी मुझसे भी कोई इंस्पायर हो जाए. जो भी हमारे यहाँ कश्मीर में अगर देखेंगे आप, पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जॉब की वजह से घर में स्टैक रह जाते हैं, तो उनकी वजह से मैंने ये स्टेप उठाया सो दैट वो भी, अगर उनके पास भी कोई ऐसा आइडिया है, ऐसा ख्वाब है, वो जिनको कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही है वो उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो उनको पूरा करें, आगे आए, उनके हार्डवर्क करें सो दैट कि वो अपने मिशन में कामयाब रहें. जी उनके लिए यही मैसेज है कि आप कुछ अलग करो, ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, हम गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंड रहें, खुद से कुछ अलग करो, खुद सोचो, खुद करो, जिसमें आप भी एडजस्ट हो और आपके साथ साथ औरों को भी फ़ायदा हो, ताकि मतलब ऐसा कुछ इनिशिएटिव उठाओ, अलग यूनिक इनिशिएटिव उठाओ ताकि गवर्नमेंट ही आपके पास आए. हम इस काम को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करने में. इस काम से हमें अपना रोज़गार भी मिल रहा है, जिस वजह से हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है, हम अपनी छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ खुद ही पूरी कर सकते हैं. एंड थैंक्स टू एसीम फाउंडेशन जिनकी वजह से हमें ये जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर की. जी मेरी ये मैसेज रहेगी कि उनको भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए, कुछ यूनिक डिफरेंट कुछ करना चाहिए, घर में बैठ के कुछ नहीं मिलता.